मानसून के बारिश के साथ बिहार के कई जिलों में आसमानी आफत भी बरस रही है। भागलपुर समेत प्रदेश के कई जिले में आकाशीय बिजली कहर बरपा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वज्रपात से भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र के 45 वर्षीय संजीव दास की मौत हो गई, जबकि उनके साथ खड़े कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान नाथनगर अंचल अंतर्गत बहादुरपुर गांव के रहने वाले संजीव दास के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संजीव खेत पर गए हुए थे, इसी दौरान वहां बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दो तीन लोग पेड़ के नीचे छिप गए, वहीं संजीव वज्रपात की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर परिवार वाले और स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इधर 45 वर्षीय संजीव की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरसात जो पड़ा ना सर, वो बगीचा गया था, उसके बाद बरसात पड़ने लगा तो टाल ठाल में जो है वो तिरपाल लटका हुआ था, उसी में एक तो मामा लगता है, उसी के पास बरसात पड़ने लगा तो उसी के पास चला गया। खटिया पर तीन चार आदमी बैठा हुआ था, ये भी बैठ गया। और उसके बाद जो है बिजली जो ऊपर से गिरा ना, वो दो तीन आदमी को झटका लगा है, सबका दो तीन ठो का पैर भी सुन हो गया, लेकिन इसको जो है पूरा वहीं पर चपेटे में ज्यादा जी हाँ, पूरा खटिए पर ये भी है मौके पर इनकी जी वहीं संजीव दास। संजीव दास कहाँ के रहने वाले? दरादी बहादुरपुर। कितना उम्र होगा इनकी? वही 45 लगभग। क्या करते थे? ऑपरेटर थे सर, उसमें जो ग्रामीण पेयजल न उसी में जी। आप उनके कौन है? भाई है सर। बाल बच्चे कितने हैं उनके? दो लड़की है एक लड़का। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम है नवीन चंद्र निवास नकुलदास। बिहार में 6 दिन विलंब से मानसून का आगमन हो चुका है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अब तक मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3-4 दिनों में पूरे राज्य में मानसून के सक्रिय हो जाने की संभावना है। 25 से लेकर 28 जून तक 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर भागलपुर में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर में पूर्वाह्न 11:30 बजे तक फिजाओं में उमस और गर्मी का जोर था, इसके बाद तेज हवाएं चली और बादल छा गए। करीब 12 बजे बारिश की रिमझिम फुहार शुरू हुई और कुछ ही देर में मानसून की झमाझम बारिश होने लगी। इस दौरान शहर के अधिकांश मोहल्ले में पानी भर गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि आज हल्की बारिश हुई है, लेकिन बुधवार और गुरुवार को फिर से झमाझम बारिश होने का अनुमान है। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से आज भागलपुर समाहरणालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। महासभा के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल ने बताया कि कदबा में सड़क बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण किसान आक्रोशित हैं। हम लोग किसानों के पक्ष में धरना दे रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सरकारी रेट है 96,000 प्रति डिसमिल, वह कानूनी प्रावधान भी लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि 72,000 प्रति डिसमिल के दर से किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। और जब किसान कानून लागू करने की बात करते हैं कि हमको कानून के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है उसमें ये नियम है कि किसानों को जो रजिस्ट्री रेट है प्रति मौजा में
उसे 4 गुना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो रेट है उससे भी कम दिया जा रहा है। हाँ, भूमि अधिग्रहण किसानों का हो रहा है कदवा में, प्रताप नगर मोजा में, वहाँ जो रेट है उस रेट से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से कलेक्टर के यहाँ धरना देने आए हैं कि कानून कम से कम लागू हो। जमीन रोड बनाने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। महेश प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान महासभा, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर समाहरणालय के समीप आज चतुर्थ वर्गीय पद पर बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि पिछले 8 साल से उन लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब नौकरी की आयु सीमा भी समाप्त हो चुकी है। बहुत दिन से प्रताड़ित है, 8 साल से लगभग। भागलपुर समाहरणालय द्वारा 2016 में ही विज्ञापन निकाला गया था चतुर्वर्गीय पद के लिए, लेकिन इन 8 सालों में नीतीश सरकार द्वारा एक भी पद पर बहाली नहीं हो रहा है और नहीं किया गया है। अभी तक ये लटका के भटका के 8 साल तक रखा हुआ है। कभी आरक्षण रोस्टर दे देता है, कभी मार्क बेसिस पर बना देता है, जबकि चतुर्वर्गीय बहाली का
पैनल में बिहार सरकार का रूल है 63-65 का, अभी तक जो बहाली हुआ है इसी रूल के 63-65 के अनुसार से ही होते आया है, वो भी DM के द्वारा। जब भी अभी 2015-16 में भी बहाली हुआ है रूल सरकार का जो चतुर्वर्गीय का है 63-65 उसी के अनुसार से हुआ है। तो हम लोग का मांग है कि अविलंब नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हम लोग का एज खत्म हो गया है और हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं। हम लोग का ना शिक्षा व्यवस्था हो रहा है सही से मेरे बच्चों का, ना हम लोग का खाना पीना, हम लोग का दैनिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया है। हम लोग मांग नहीं होगा तो नीतीश सरकार के पास जाके उनके पास धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारी मांग को सुना जाए सर, हम लोग बेहाल हो गए हैं, हमारे बच्चों का हाल बेहाल है, ना शिक्षा हो रहा है ना स्वास्थ्य हो रहा है, सभी लोग रोड पर हैं, हम लोग की एज भी नहीं रही है अब आवेदन करने की। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब इस पर ध्यान दिया जाए और अविलंब इस पर नियुक्ति किया जाए, क्योंकि 8 साल मामला हो गया है, इतना दिन हो जाने के बाद भी आखिर क्यों हुआ, आखिर पैनल ऐसा क्यों हो, क्या क्यों हो रहा है कि नहीं बहाली हो रहा है, क्या कारण है, कहीं सब जगह गड़बड़ हो रहा। हमारा नाम गोपाल कृष्ण हुआ, बिहार अध्यक्ष इस युवा बेरोजगार युवा संघ का अध्यक्ष है।